हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेरी हेल्थी एंड डिलीशियस रेसिपी। मेरी बहुत ही फेवरेट है ये। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 फ्लेवर्ड योगर्ट रेसिपी। अलग अलग तरह की, 3 तरह की हैं ये, और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनती है। और बहुत ही डिलीशियस और गर्मियों के मौसम में बहुत ही टेस्टी ये लगती है। तो हमारे यहाँ पे इसे कहा जाता है श्रीखंड। तो ये मैं 3 तरीके से बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं किरण की रसोई से कि ये श्रीखंड और 3 फ्लेवर्ड योगर्ट कैसे बनते हैं। आइए मेरे साथ मेरी रसोई में। तो ये वाला जो है पिस्ता प्लेन फ्लेवर श्रीखंड है, योगर्ट है प्लेन वाला, ये मुझे बहुत पसंद आता है और बचपन में मैंने बहुत खाया हुआ है। ये हर चीज़ बचपन की याद दिलाती है। और ये है मैंगो योगर्ट, मैंगो फ्लेवर योगर्ट, और वो है बनाना और चॉकलेट वाला योगर्ट। तो मैंगो योगर्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंगो लिया है मैंने, आधा बारीक कटा हुआ, ये एक बनाना है बारीक कटा हुआ। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ फ्लेवर्ड योगर्ट इन 3 वेज। तो यहाँ पर 1 किलो दही को मैंने रात भर इस छाननी में रखा, और इसका सारा पानी इस तरह से निकल जाना चाहिए। तो फ्रिज में ही रखिएगा, आप बाहर मत रखिएगा, नहीं तो खट्टी हो जाएगी ये। तो इस तरीके से इसका सारा पानी हमने निकालना है। और ये हमारे पास बचेगा क्या, ये है हंकर्ड, यानी बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्रीमी टेक्सचर वाला ये योगर्ट हमारे पास बचता है। और दही का सारा पानी निकल गया। और यहाँ पर मैंने जो आम है उसे एक छोटे जार में डाला है, और इसमें मैंने डाली है 3 चम्मच पिसी हुई चीनी। और इसमें मैं एक इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, तो मैं वो इलायची इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अलग अलग फ्लेवर है, इलायची आम वाला जो फ्लेवर है इसे आम्रखंड भी कहते हैं हमारे यहाँ, और शादियों में गर्मियों में ये ही वाला स्वीट वहाँ पर बनता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये आपके लिए भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंगो पल्प इलायची वाला और चीनी के साथ मिला हुआ मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। ये मैंगो फ्लेवर हम पहले योगर्ट बना रहे हैं, और जो इसके अंदर हम डालेंगे अब हंकर्ड, ये डालिए आप। इसमें मैं डाल रही हूँ अच्छा सारा योगर्ट, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना लें। तो ये मैं 2 बाउल बनाऊंगी, अलग अलग फ्लेवर के बना रही हूँ, सबके लिए अलग अलग फ्लेवर का योगर्ट हो जाएगा। तो ये मैंगो फ्लेवर बन रहा है अच्छी तरह से, मैंगो और योगर्ट और चीनी इलायची को सभी को अच्छे से आप इसके अंदर मिक्स कर लें इस तरह से। आप देखिए ये हो गया ना येलो कलर का, तो ये बन गया हमारा मैंगो फ्लेवर्ड योगर्ट। तो इसे हम बाउल में डालेंगे और इसे हम फ्रीजर में रखेंगे 1 घंटा, फिर हम इसकी ड्रेसिंग एक साथ ही करेंगे। और यहाँ पर ये बनाना फ्लेवर्ड बना रहे हैं हम, तो ये जो बनाना है ऐसे ही छोटे जार में आप इसे डाल लीजिए छोटे मिक्सर जार में। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा लिक्विड चॉकलेट डालूंगी और 3 चम्मच चीनी इसके अंदर डालकर, ये देखिए ये हंकर्ड के साथ चॉकलेट फ्लेवर वाला हमारा अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया मैंने, जैसे मैंगो फ्लेवर को किया था। और फिर इसे मैं बाउल में डाल रही हूँ, और इसका कलर है थोड़ा सा चॉकलेटी, क्योंकि हमने बनाया ये बच्चों के लिए चॉकलेट बनाना फ्लेवर, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और हेल्दी भी रहेगा। तो इसे भी मैं बाउल में डालकर डीप फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए, और फिर हम इसकी ड्रेसिंग भी एक साथ 3 की ड्रेसिंग हम करेंगे। और अब बनाते हैं मेरा फेवरेट पिस्ता फ्लेवर योगर्ट। अब इसे भी हम फ्रिज में रख देते हैं, दोनों बाउल को भी। अब यहाँ पर फिर से हम बाउल लेंगे, और फिर से हम अब सबसे पहले हम डालेंगे योगर्ट, क्योंकि ये बना रहे हैं हम बिल्कुल सादा वाला प्लेन वाला श्रीखंड बन रहा है, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बाउल में हम जो सारा हंकर्ड हमारा बचा हुआ है वो सारा हम निकाल लेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डलेगी, तो ये 4-5 चम्मच चीनी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी फ्लेवर नहीं डाल रहे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मीठा एक्स्ट्रा इसके अंदर डालना है। तो ये मैं देसी खांड ही यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको हार्म नहीं करेगा और अच्छा रहता है सेहत के लिए ये भी। और योगर्ट तो अच्छी ही है हेल्थ के लिए, खून बनाती है नया। तो ये भी बन गया, और इसे भी हम फ्रिज में लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए
पिस्ता वाला हमारा ये मज़ेदार, ऊपर से पिस्ते की ड्रेसिंग की है मैंने इसके ऊपर और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसे मैं खाने वाली हूँ पूरा बाउल। और इसके साथ ही मैंगो के ऊपर मैंने छोटे छोटे मैंगो काट के इसमें ड्रेसिंग की है, और उधर की है मैंने बनाना वाले पे चॉकलेट चिप्स की ड्रेसिंग की है। तो तैयार है किरण की रसोई से 3 flavored ऑफ योगर्ट रेसिपी। श्रीखंड 3 तरीके से बनाना सीखें किरण की रसोई से। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।